में एक मैथोलॉजिकल फैक्ट। ऐसा माना जाता है कि बनारस शहर जो है वो पृथ्वी पर नहीं है, बट देव जी को जब इनलाइटेनमेंट हुई थी उसके बाद उन्होंने पहला उपदेश दिया था अपने। कंट्री बनती है हमारी क्राइम पेट्रोल से। दोनों ने किया मर्डर, दोनों का हुआ मर्डर। अब हम पहुंच गए रामनगर फोर्ट। ये एंटर करते ही यहाँ पे म्यूजियम के टिकट्स है, अंदर म्यूजियम है, वहाँ बाद में जाएंगे, पहले फोर्ट में चलते हैं। एंट्री उधर से है, हमें लगा वो म्यूजियम। गाइस वही म्यूजियम वाली एंट्री ही फोर्ट के अंदर जाती है। वन वे और दी अदर, द बोथ आर द सेम। गंगाधर ही शक्तिमान है। सो ये है रामनगर फोर्ट। ये 1750s के अराउंड बना था, उस टाइम के राजा महाराज बलवंत सिंह जी ने ये बनवाया था। अंदर शूटिंग अलाउड थी नहीं तो हमने करी नहीं। बेसिकली फोर्ट के अंदर एक म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में वही जो उस एरा के वेपन्स वगैरह होते हैं वही सब है, और यहाँ पे एक विंटेज कार कलेक्शन भी है जो वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस फोर्ट की एक यूनिक बात यह है कि यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है जो कि साल में सिर्फ एक दिन खुलता है, वो भी सिर्फ 6 घंटे के लिए। और यहाँ पे जब आज भी रामलीला होती है तो उसमें ना तो माइक्स यूज़ होते हैं और ना ही कोई लाइट यूज़ होती है, और उसे देखने के लिए भी बहुत भीड़ आती है। रामलीला के टाइम के अराउंड आ रहे हैं बनारस तो ये ज़रूर देखना, वन ऑफ अ काइंड रहती है ये, ऐसी चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये एग्ज़िट आ गया, अब चलते हैं यहाँ से। आए इधर कभी, आए इधर कभी? नहीं, पहली बार देखा। स्कूल की तरफ से आए थे? बोलो चलो अब लस्सी पीने चलते हैं, चलो लस्सी पीने चलते हैं अब, बोलो चलो लस्सी पीने चलते हैं। बहुत गर्मी है अभी, अब लस्सी वाले पीने चलो। म्यूजियम में एसी था बट वो सिर्फ अंदर जो चीजें थी उन्हें लेना, तो गाइस हम अब आ गए हैं रामनगर की लस्सी टेस्ट करने। गर्मी भी बहुत है और इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी गर्मी से। सो जैसे दिल्ली वगैरह में मिलता है लस्सी के ऊपर मलाई डाल के दे देते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। लस्सी के ऊपर यहाँ पे ये रबड़ी डाल रहे हैं, देखो ऐसे टेस्ट काफ़ी अलग है और अच्छा भी है। ये थी गाइस रामनगर की लस्सी, अ मस्ट ट्राई। वैन इन बनारस, वैन इन वाराणसी, उनका ऑटो लग गया था ना, थंबनेल में डाल दूंगा, ऑटो लग गया था ना नीचे, क्लिक बेट करेंगे आपसे, हम पैसे भी उतने दे रहे हैं, इन्हें क्लिक बेट ही पसंद, असलियत नहीं पसंद है, क्लिक बेट डाल दे, ऑटो वाले भैया छोड़ के भाग। और ये है नमो घाट। घाट्स वगैरह पे अभी जाना अलाउड नहीं है क्योंकि गंगा का लेवल बढ़ा हुआ है, इसलिए दूर से ही देख रहे हैं हम भी। पिछले कुछ सालों में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है बनारस में, ये भी तभी बनाया गया था। अब आगे चलते हैं, अभी बहुत कुछ है बनारस में दिखाने के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं हिंदुस्तान की, या जो है एशिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU। ये किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है ये यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की अपनी एक वैल्यू है, बहुत बड़े बड़े लोग इस यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में ही नहीं
पूरे विश्व में अपना नाम किया है। वैसे जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, ये एशिया की फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। बहुत बड़ा कैंपस है, इतना बड़ा कैंपस है कि ऑटो में घूमना पड़ रहा है, और इसी के अंदर न्यू विश्वनाथ जी का मंदिर बन रहा है, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। अच्छा, बाहर का कोई रूल अप्लीकेबल नहीं है। यूनिवर्सिटी तो इतनी बड़ी है 1916 से। हर सब्जेक्ट का फैकल्टी जो है जी अलग अलग है। हाँ, रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, तो रिसर्च में हर सब्जेक्ट पे एक जमीन जो थी ना जी, तो आप किला देखने गए थे ना? हाँ जी, राजा साहब की थी जी। तो जो पंडित मदन मोहन मालविया जी आया है जी, ये गए जमीन मांगने जी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है गुरु जी हम आपको जमीन दे रहे हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है जी, आइए थोड़ा सा, एक दिन में जितना आप पैदल चल लेंगे जी उतना जमीन सब आपकी विद्यालय के लिए। अच्छा, तो वो एक दिन में 5.5 किलोमीटर ही चल पाए, क्योंकि पूरा कैंपस 5.5 किलोमीटर का है, 1370 एकड़ में इतना चले। हाँ, बहुत बड़ी बात है, और उससे बड़ी बात राजा साहब की, उन्होंने बोल ली तुम जितना चलोगे उतना दान दे देंगे। तो BHU काफ़ी बड़ा है, अभी हम पहुंच रहे हैं वहां पे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस व्लॉग में इतना ही, अब आपको नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।